हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में हर बार की तरह एक बार फिर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बनारसी स्टाइल चने की दाल का दाल तड़का, या आप इसे दाल फ्राई भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है फ्रेंड्स, और आप इसे घर पर ही होटल और मार्केट स्टाइल बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशिता गीतिका किचन में आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बनारसी स्टाइल चने के दाल का तड़का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन के घर में तैयार हो जाता है, रेस्टोरेंट स्टाइल होटल स्टाइल जैसा कि आप जाके बाहर खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे दाल तड़का बनाने जा रहे हैं, जिसे आपकी दाल फ्राई भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। हेलो फ्रेंड्स, गीतिका किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल का दाल फ्राई, या आप इसे दाल तड़का भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पे चने के दाल को भिगा दिया है 2 से 3 घंटे पहले, और इसे अच्छे से धुल लेना है। और इसे हमने एक बाउल लिया है, अगर आप इसका वजन लेंगे तो 250 ग्राम है। फिर हमने हींग लिया है बघार के लिए, धनिया लिया है साबुत, खड़ा धनिया चाहिए इसके लिए हमें बघार के लिए 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा चाहिए, काली मिर्च और लौंग चाहिए 4 से 5 नग, शुद्ध देसी घी चाहिए हमें बघार के लिए। फिर हमने यहाँ पे लहसुन जो हरा आता है मार्केट में, अभी ठंडी का सीजन है तो ये अच्छे से अवेलेबल होता है, इसे हमें ले लेना है। आप चाहे तो इसे गमले में भी उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हरा प्याज ले लिया है, उसका सफ़ेद वाला भाग भी छोटा छोटा पीसेस कट कर लिया है, और हरे प्याज को भी हमने यहाँ पे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। एक हमने यहाँ पे साबुत प्याज लिया है, उसके छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। एक हमने यहाँ पे लाल पका हुआ बड़ा टमाटर लिया था, जिसे हमने छोटे पीस में कट कर लिया है। अदरक लिया है 2 इंच जितना, इसे भी हमने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और लहसुन भी यहाँ पे हमने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, इसे 10 से 12 कलियाँ लिया है हमने। 4 से 5 हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च मिक्स ली हुई है, तो आप इसमें हरी मिर्च भी ले सकते हैं और इसके छोटे पीसेस कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनारसी देसी स्टाइल में पूरा खाना बना के तैयार करने वाले हैं, और बहुत ही झटपट दाल तड़के के साथ आप इसे खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चना का दाल जो 250 ग्राम लिया है, इसे अच्छी तरीके से धुल के, जैसे कि आप रेगुलर दाल बनाते हैं घर में, उस तरीके से हमें 7 से 8 सीटी इसकी लगा लेनी है। और एक टमाटर आप डाल सकते हैं हल्दी नमक के साथ। तो चलिए, हम इतना पका देते हैं, जब हमारी दाल पक जाएगी चने की, तब हम उसे फ्राई करना आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं हमारा चने का दाल जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे फ्राई करना है, दाल तड़का लगाना है। तो हमने यहाँ पे पैन ले लिया है नॉन स्टिक का, और गैस को आप देख सकते हैं ऑन कर लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें घी डालना है फ्रेंड्स। तो आपको जिस जैसा आपने दाल लिया हो कम ज़्यादा, उसके अनुसार हमें घी लेना है। तो यहाँ पे हमने शुद्ध देसी घी लिया है, ठंडी की वजह से ये बहुत ही गर्म जम गया है, गर्म नहीं है। तो हमें इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 टेबल स्पून जितना हमें घी ले लेना है, इस तरीके से इसे मेल्ट होने देना है। फिर हमें क्या करना है, जब ये मेल्ट हो जाए तब हमें इसमें तड़का देना है फ्रेंड्स। ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छे से गर्म भी हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे पतंजलि का हींग लिया है, आप कोई भी कंपनी का हींग ले सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 पिंच हमें हींग डाल देना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 से 3 पिंच हींग ही डालना है। जब हींग हमारा अच्छी तरीके से भून जाए, तब हमें इसमें साबुत जीरा, काली मिर्च और लौंग डालना है इस तरीके से, और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है हल्का सा। हमारा जो जीरा है फ्रेंड्स, वो अच्छे से चिटक जाना चाहिए और हल्के से गोल्डन ब्राउन भी हो जाने चाहिए, बहुत जलने नहीं देना है। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्ची छोटे पीसेस कट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं, इन सभी को हमें डाल देना है।
बहुत ही टेस्टी हमारा दाल तड़का यहाँ बनके तैयार होने वाला है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा बनता है और इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसकी खुशबू यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया आ रही है। पूरे घर में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और पूरे खाने के साथ आप इसे बना के खा सकते हैं। नान रोटी, रोटी, चावल सभी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है और इसे हल्का सा रोस्ट होने देना है ताकि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छे से आएगा। तो हमें इसे एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे सारे मटेरियल डाले थे उन सबका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना लिया है खड़ा धनिया, इसे हमें खड़ा ही लेना है और इसे भी घी में डाल देना है रोस्ट होने के लिए। और ये बिल्कुल ही जल्दी से रोस्ट होने लगता है आप देख सकते हैं, और इससे भी इसकी खुशबू और टेस्ट जो है वो हमारे दाल तड़का या फ्राई आप बोल सकते हैं दाल फ्राई, उससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ धनिया भी डाल के मिक्स कर लिया है और फ्लेम को हमेशा मीडियम और स्लो ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं जो कटे हुए छोटे प्याज थे, हमने यहाँ पे प्याज को छोटे टुकड़ों में कट किया था उसे ले लेना है और यहाँ पे डाल देना है। टमाटर भी हमने छोटे टुकड़े में कट किया है, इसे भी हमें डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ टमाटर डाल के और प्याज डाल के अच्छी तरीके से इसे भून लिया है। तो ये अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसे मेल्ट नहीं होने देना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने कटी हुई छोटे टुकड़े में प्याज रखी थी हरी हरे भाग को हमने उसे भी ले लिया है फ्रेंड, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जो उसके सफ़ेद वाले भाग होते प्याज के उसे भी हमने ले लिया है, इन सभी को ले लेना है। फिर लहसुन जो हरे वाले आते हैं उसे भी हमने छोटे टुकड़े में कट किया है और ये विंटर सीजन यानी कि ठंडी का जो सीजन है तो इसमें ये बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं मार्केट में। तो अच्छी तरीके से हमें सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाते हुए और 2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए हमें एक लगातार इसे भून लेना है, बिल्कुल ही रुकना नहीं है फ्रेंड्स, इसे हमें बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होने देना है। तो इस तरीके से हम भूनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हमने इन सबको अच्छी तरीके से चलाते हुए एक लगातार अच्छे से यहाँ पे भून लिया है और ये बिल्कुल ही भून के रेडी हो चुके हैं। तो हमारा जो यहाँ पे दाल है इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा सा दाल बन के रेडी हो गया है चने का। तो इसे अब हम तड़का डालने जा रहे हैं, तो इसे हमें डायरेक्ट दाल को डाल देना है, बहुत ही क्विक है, हमें ऐसा ही दाल बनाना है और इसे अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक हमें पका लेना है। आप देख सकते हैं वैसे भी हमारी दाल पकी हुई है और हमारा जो दाल तड़का है या फिर दाल फ्राई आप देख सकते हैं कितना ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप सबको पास से दिखला देती हूँ कितना ही प्यारा दिख रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो बहुत ही कम टाइम में आप इसे झटपट बना सकते हैं और कोई भी गेस्ट आए तो आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है। इस तरीके से आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना ही प्यारा आया है और कितना ही थिक, बहुत ही होटल और रेस्टोरेंट जैसा आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम एक डिश में निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दाल तड़का निकालने के लिए होटल स्टाइल यहाँ पे छोटी स्टील की बाल्टी ले ली है। फिर इसमें हमने जो यहाँ पे दाल तड़का या दाल फ्राई आप जो भी बोल सकते हैं इसे, तो इसे हमें निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसमें इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दाल तड़का जो हमारा है बनके रेडी हो चुका है
और आप जो बनारसी स्टाइल हमने यहाँ पे बनारसी देसी स्टाइल हमारा जो सभी खाना होता है उसे हमने यहाँ पे ले लिया है बना के, और इस दाल को आप बना के इस खाने के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप सबको हमारा देसी स्टाइल दाल तड़का पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स इसे एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पसंद आया तो प्लीज 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 उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।